वेलकम बैक टू माई चैनल काजल गिरी व्लॉग्स। तो आज है प्रपोज डे और मुझे याद है आज भी कि हरमीत ने मुझे लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज किया था शादी से पहले। और जो मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर जो मेरे चैनल पे नए हैं लोग, वो उन्होंने वो शायद वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं इस व्लॉग में आज आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ और वो सारी अपनी पुरानी मेमोरीज दोबारा से रिक्रिएट और रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ कि वो क्या मेमोरीज थी और वो क्या मोमेंट्स थे उस टाइम पर जब हरमीत ने मुझे शादी से पहले मैरिज के लिए प्रपोज किया था। और वो मुझे लेकर गया था, मतलब हम एक डिनर डेट पर गए थे उस टाइम पर, और हरमीत ने मतलब मुझे पहले रेस्टोरेंट में लेकर गया पूरा, एंड जैसे रानियों की तरह गाड़ी से दरवाजा खोला और वो बाहर जो अंकल बैठे होते हैं वो गेट खोल रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। फिर क्या कहते हैं, हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया और हरमीत मुझे बोलता कि मैं ना वॉशरूम होके आ रहा हूँ, और मेरा साइड उस साइड था और पूरे हॉल में कोई भी नहीं था। बट मेरा ना मतलब वो सरप्राइज मिलने से पहले मेरी ऐसी नजर गई तो सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था टेबल पर, और उसके ना मैंने नोट नहीं किया, उसके टेबल पे ना कैमरा सा पड़ा हुआ था, वो भी हमारी साइड। वो मैंने बाद में ध्यान दिया कि अच्छा उसके टेबल पे कैमरा पड़ा हुआ था और वो सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था वहां बैठे बैठे, सिर्फ पूरे रेस्टोरेंट में वो एक ही बंदा था हमारे अलावा। तो वो सब चीजें मैंने बाद में, मतलब मुझे बाद में ध्यान आया कि अच्छा ऐसे 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 हो रहा था। तो अब उसके बाद इसके बाद जो हुआ वीडियो के लिए भी कुछ रहने दो। वीडियो के लिए इसके बाद जो हुआ, मतलब हाँ, वो वीडियो में जाके देखो, तो थोड़ा सा इंस्टेंट बता देते हैं। इसके बाद हरमीत जब आया और उसने वो ब्लैक फोल्ड के साथ आया था, उसने मेरे आईज पे फोल्ड जो है वो ब्लैक कपड़ा बांधा और फिर मुझे लेके चला गया ऊपर लिफ्ट में और बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। तो जो भी हुआ आगे आप देखो, मेरी फैमिली और सब लोग आए हुए थे, इतनी अच्छी डेकोर की हुई थी और मतलब अलग ही फीलिंग थी। वो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई किसी मतलब जगह की किसी पैलेस की एक रानी हूँ। तो तुम रानी तो तुम वही हो, और ये पूरा जो लाइफ टाइम मेमोरी थी ना है वो मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, और इतनी अच्छी मतलब वो क्वीन वाली फीलिंग आ रही थी ना मुझे कि भाई बस मैं ही हूँ जो हूँ दुनिया में। चलो बहुत अच्छा लगा। तो बस आप ये वीडियो जो है नेक्स्ट एंजॉय करो। हैप्पी प्रपोज डे। हैप्पी प्रपोज डे। तो लास्ट ईयर आपने प्रपोज किया था और इस ईयर मैं आपको प्रपोज, तुमने भी कर चुके हो मुझे प्रपोज। तुम कब किया? मैंने रिंग सेरेमनी पे किया था, भूल गई हो? हाँ किया था मुझे। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर मैं आज आपको प्रपोज करूँ तो आप मेरे से शादी दोबारा करना चाहोगे? देखूंगा, सोचूंगा, कल परसों कुछ कहूंगा। अच्छा, और आप मुझसे पूछो? मैं नहीं पूछता, पूछ ली एक बार बस। तू मेरे को मिल गई, अब दोबारा पूछना ही नहीं, झंझट ही खत्म। नहीं पूछे तो देखो, पूछ के तो देखो। क्यों देखूं पूछ के? मैं बोलूंगी क्या बोलोगी ना। मैं पूछता ही नहीं, तभी तो कह रहा हूँ एक बार पूछ लिया तूने, हाँ कर दी बस हो गया काम। चलो अब दोस्तों को देखने दो वीडियो। तेरे कन्ना दे विच गल्ला करा प्यार दिया छड़ संगना नी अज मन ले गल्ला यार दिया बत्तियां भी डिम तेरे बिन नी मैं सारा दिन किता इंतजार रश हाय करना ब्रश कुछ कहना सुन ले जरा तेरे कन्ना दे विच गल्ला करा प्यार दिया छट संगना नी अज मन ले गल्ला यार दिया सारी जिंदगी रहूंगा तेरे नाल, तेरे नखरे दा रखूंगा ख्याल, जे तू रुसगी मनाऊ हर हाल, जान काट लवे रब जे मैं बेवफा। बत्तियां भी डिम तेरे बिन नी मैं सारा दिन किता इंतजार अज कादा रश हाय करना ब्रश कुछ कहना सुन ले जरा तेरे कन्ना दे विच गल्ला करा प्यार दिया छड संगना नी अज मन ले गल्ला यार दिया।
तेनु बाहां दे विच लेके दिल दियां गल्लां कहके तेरे साहां विच खुल जावां सारी दुनिया भुल जावां तेनु बाहां दे विच लेके दिल दियां गल्लां कहके तेरे साहां विच खुल जावां सारी दुनिया भुल जावां गेट टुगेदर फाइनली